सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ए गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे, ए न कपड़ो लतो, पर हाँ रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 30,000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिन, ए जिते खास करे छोकरिन जा प्रोफाइल्स सेफ ए सिक्योर्ड रख्या वेंदा आहिन। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो, थी सघे थो तव्हां जो जीवन साथी तव्हां जो इंतज़ार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मणिपुर में बड़े पैमाने पर हो रही हिंसा और दो महिलाओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ कल क्रिश्चियन एकता सामाजिक संगठन की तरफ से अंबरनाथ तहसीलदार कार्यालय पर विरोध आंदोलन किया गया, जहां दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। भारी बारिश के दौरान इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व क्रिश्चियन एकता सामाजिक संगठन के जीतू राठौर ने किया। देखिए, आप सभी जानते हैं मणिपुर के अंदर जिस प्रकार की घटना हुई है, तीन महिलाओं को निर्वस्त्र कर वहां पर उनकी परेड कराई गई और उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूते हुए, गलत कृत्य करते हुए कुछ समाज कंटक लोग दिखाई दे रहे हैं। ये घटना पिछले एक महीने पुरानी है लगभग, लेकिन इस विषय के ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन लिया नहीं। हमने पिछले दिनों आजाद मैदान पर एक मणिपुर के अंदर शांति आए इसके लिए मोर्चा रखा था, लेकिन उसके बाद में भी अभी तक ऐसा दिखाई नहीं देता है कि मणिपुर के अंदर कोई शांति आई। कहीं ना कहीं इसके पीछे अब हर बच्चा बच्चा कहने लगा है कि इसके पीछे केंद्र सरकार का हाथ है। और शर्म तो तब आती है वहां का मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आके कहता है कि ये पहली घटना नहीं है, ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई होंगी, एक वीडियो बाहर आया है, ऐसी सैकड़ों घटना होंगी। मेरा आज अंबरनाथ तहसीलदार के पास में निवेदन लेकर, ये संपूर्ण क्रिश्चियन समाज के लोग निवेदन करना चाहते हैं कि पहले तो इस नालायक मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं उनका 56 इंच का सीना है, और उन्होंने कहा कि मैं चौकीदार, पूरे भारत ने लगाया, पूरे भारत ने अपने स्टेटस पर लगा दिया, मैं भी चौकीदार। अरे चौकीदार क्या कर रहा है, महिलाओं की इज्जत लूट रही है, चौकीदार क्या कर रहा है, लोगों का गला काटा जा रहा है, चौकीदार क्या कर रहा है, 250 से ज्यादा चर्च तोड़ दिए गए, चौकीदार क्या कर रहा है। भैया, आप चौकीदारी कर रहे हो या फिर माल भर रहे हो, इस विषय के ऊपर उन्होंने खुलासा करना चाहिए। फिर उन्होंने एक वाक्य कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये वाक्य लोगों को समझाने के लिए था या चेतावनी था? बेटी बचाओ किससे बेटी बचाए, जहां बीजेपी की सरकार है उनसे बेटी बचाए? प्रधानमंत्री जी कई दिनों के बाद में आते हैं और 30 सेकंड में कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का सर इस घटना से झुक गया है। मेरा उनसे सवाल है, 140 करोड़ देशवासियों का सर तो झुका है, क्या आपका सर झुका है क्या? क्योंकि आप तो उसमें भी आकर राजनीति कर रहे हैं, अगर आपका सर झुका है तो ताबड़तोड़ उन्होंने कहना चाहिए कि वहां पर शांति बहाल की जाए। 370 कलम जब कश्मीर में हटाया जाता है तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारा भारत का फौज, भारत की एजेंसीज एक भी वहां पर घटना होने नहीं देती। ऐसा लगता है कि वहां पर 370 हटाया गया तो कश्मीर में दंगा हो जाएगा, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि कोई दंगा नहीं हुआ। हमारी एजेंसीज, हमारी रॉ, हमारा गुप्तचर विभाग, हमारा फौज, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत काबिल है, लेकिन ये राजनीतिक लोगों ने उनको रोक कर रखा हुआ है। अगर ये उनको, अमित शाह जी अगर उनको आदेश दें
वहां का मुख्यमंत्री उनको आदेश दे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि दो दिन के अंदर मणिपुर के अंदर शांति बहाल हो सकती है। जब कश्मीर जैसी घाटी जहां पर आतंकवादियों का विषय में कहते हैं लोग गन निकाल कर बाहर आ जाते हैं, पुलिस पर लोग पत्थर मारते हैं, ऐसी घाटी में एक भी घटना नहीं होने दी जब 370 कलम हटाया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मणिपुर बहुत छोटा सा राज्य है, 29 लाख लोग वहां पर है, उसके अंदर कुकीज जो है और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के ऊपर ही केवल अत्याचार हो रहा है। इस विषय को समझना होगा, भारत देश को इस विषय को समझना होगा। ये वहां की स्थानिक लड़ाई दिखाई जा रही है, लेकिन स्थानिक लड़ाई के पीछे बीजेपी का खुला एजेंडा है कि क्रिश्चियन लोगों को वहां पर मारा जाए और किसी भी रीति से वहां से 40% जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको हटाया जाए और वहां पर कब्जा किया जाए। अभी हम लोग थोड़े समय में अमरनाथ पुलिस के मार्गदर्शन में हम तहसीलदार को आज एक निवेदन देने वाले हैं, जिस निवेदन में हमने वहां पर शांति बहाल करने के विषय में कहा है, जो पीस कमेटी बनाई गई है उस पीस कमेटी के अंदर रिटायर्ड जज को लिया जाए ताकि वहां पर अच्छे से वो हो सके और वो जो वहां के जातियां हैं या लोग हैं जिनके बीच में आपस में कुछ मतभेद है वहां पर समन्वय बनाया जाए और लोगों को समझाया जाए कि ये सरकार आपके साथ में है, आपको इस प्रकार की कृत्य करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार के ऊपर से वहां के लोगों का पूरा भरोसा उठ गया है, इसलिए उन्होंने हथियार उठाए, इसलिए वो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, इसलिए वहां पर एक दूसरे को काटा जा रहा है। सरकार का काम है वहां पर समन्वय बनाया जाए और वहां पर शांति बहाल की जाए। आज आम्ही सर्व ख्रिस्ती बांधव या ठिकाणी अंबरनाथ तहसील कार्यालय मध्ये मोठ्या संख्येने पाऊस असतानाही जमा होण्याचं कारण हे आहे की मणिपूर या ठिकाणी जे कुकी समाज आदिवासी महिला त्यांना ज्या पद्धतीने त्यांच्या सोबत वाईट अत्याचार ज्या समाजकंटकांनी केलेला आहे तो अतिशय अपमानास्पद असं लज्जास्पद वाटणारं कृत्य त्या तिथल्या पुरुषांनी त्या स्त्रियांना दोन बहिणींसोबत एकदम लज्जास्पद असं कृत्य त्यांनी केलेलं आहे आणि अशी घटना करू नये, कारण की गायींना कापतात त्यावेळेस अख्खा भारत देशामध्ये आक्रोश केला जातो आणि जी माता आपले 9 महिने 9 दिवस बाळाला पोटात ठेवून जन्माला घालते त्या मातेबद्दल असे वाईट कृत्य जे समाज करत आहे अशा नीच लोकांना अशा घाणेरड्या वृत्तीच्या पुरुषांना फाशीची शिक्षा द्यायला पाहिजे। सबसे पहले एक बात रख के मैं मणिपुर के दर्द को प्रकट करना चाहता हूं। लश्कर भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है। लश्कर का मतलब है फौज। लश्कर भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। जुल्म और सितम मजलूमों पर अब और न चलेगा, इस अंधेरे को चीर कर एक नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा जरूर आएगा। मणिपुर के दर्द को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारे देश में जो ये घटना घटी है और पूरा देश 3 महीने से खामोश है, मेरे पास वो लफ्ज नहीं है, वो शब्द नहीं है कि मैं उस मणिपुर की घटना को शब्दों में वर्णन करने पाऊं। लेकिन ये देश जो सब धर्मों का देश है, सब जातियों का देश है, बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान दिया इस पर हमको गर्व है, गौरव है। इतना सुंदर, इतना बढ़िया संविधान जो पूरे विश्व में, पूरे संसार में कहीं नहीं। लेकिन उस संविधान का, उस कानून का
जो मजाक इस देश में उड़ाया गया उससे हर महिला शर्मसार है। एक हीरोइन ने एक ऐसा कपड़ा पहना, एक फिल्म में पूरे देश में आक्रोश हुआ, लेकिन जब एक महिला के शरीर से कपड़े ही उतार दिए गए तब ये देश और देश की महिलाएं तमाम उच्च अधिकारी लोग कहां है। एक वीडियो वायरल हुआ इसके कारण, एक वीडियो वायरल हुआ इसके कारण थोड़ी सी जागृति आई। देश के पंत प्रधान ने केवल 36 सेकेंड मणिपुर के बारे में कहा। हम शब्दों में किसी भी दर्द को बयान नहीं कर सकते, लेकिन मेरा यह कहना है इंसानियत शर्मसार हो गई है। इंसानियत पर जो धब्बा लगा है शायद ही ये मिटा नहीं पाए। सैकड़ों लोगों को मणिपुर में घरों को छोड़कर भागना पड़ा, लोगों के सर काट काट कर खंभों पर लटका दिए गए हैं, धार्मिक स्थलों को आग के हवाले कर दिया गया है, बच्चे भूखे नंगे होकर जंगलों में भाग गए। मेरी देश के तमाम उच्च अधिकारियों से यह दरख्वास्त है, आपको जो अधिकार मिला है उस अधिकार का आप उपयोग करें और देश के बच्चे जवान बुजुर्ग और विशेष महिलाओं का आप सम्मान करें, उनको इज्जत दें। आज अमरनाथ तहसील में इस भारी वर्षा में जो आए हुए प्रत्येक बहन भाई बच्चे इस बारिश में भीग कर हम उनके दुखों में सहभागी होने के लिए यहाँ पर आए हैं। yes. और हमारा एक ही विनती है कि हर एक अधिकारी हमारे साथ में खड़ा हो जाए ताकि हमें इस समय न्याय मिले और ये न्याय हमारे देश का और संविधान की इज्जत का न्याय हो जाए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।